तो आप माता जी को शॉपिंग करा दिया। माता जी ने लेने बीच के आलू, मन को बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करना पिथौरगढ़ आए हमारे घर वाल बीच वाला लो बल। और प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया। कैसे प्रणाम भाभी? प्रणाम। प्रैंक था यार दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है वास्तव में, क्योंकि आप देख लो ब्लड बैंक में एसी लग चुका है यार। मतलब तो ठंडी ठंडी हो कहाँ बटे उम्र। और जो हमारे डोनर्स हैं इनको भी मजा आएगा ब्लड देने में। बढ़िया बढ़िया। क्या वो मेरा सीनियर हुआ, इसी ने बिगाड़ा मेरे को, इसी ने बिगाड़ा मम्मी, जितना बिगाड़ा सऊर चाप सऊर। इतना बड़ा बाबू, पानी पिलाऊं? ना ना, पिथौरागढ़ पहुंचे थे, प्रकाश दा आते क्या बोलना, ये दाल के रेट देख बल। मैं को सीधे कह दो ना, दाल भात का रेट बढ़ा रहा हूँ। और सबसे मेन चीज देखो, नाश्ते के साथ आपको यहाँ पे मट्ठा मिलेगा, छाछ, पहाड़ी छाछ। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हमारी ये मेडिकल शॉप, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स। जी जी, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। और आज का ब्लॉग है यो, तो चाची आई है रात का खाना लेके। तो पहाड़ों की सबसे खास बात है ना, जो जब भी हमारे घर में किसी घर में कुछ भी बनता है तो पड़ोस में जरूर देते हैं हम लोग, ये हमारी सामाजिक एकता का परिचय है। और ये है, हाय, एक तो खा दिया मैंने, अच्छा ये है बड़े, ये है रायता, ये है खीर। मेरे सामने कोई चीज है मैं ना खाऊं, हो सकता है लाजवाब। अल्टीमेट जी, बहू ला फिर अब मैं नहीं ला रही है, तू नहीं ला रहा है, कोई पंडित जी आ रहे क्या लगन निकालना है? हां, अगर कोई किसी ने नहीं रिप्लाई किया तो फिर पंडित जी मैं तोड़ दूंगा। बस आई भी रिप्लाई वो देने वाली समझ गई थी। हां, बीमार में भी इतना स्मार्ट कौन लगता है यार, कैसा है ये लड़का, इसमें इसमें। गुड मॉर्निंग है दोस्तों, नई दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं ब्लॉग के साथ। पहाड़ों में धूप नहीं खिलेगी, मैं जल्दी उठ गया हूँ। सामने मौसम देखो, कोहरा लगना शुरू हो चुका है। आज माता जी और मैं जा रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। क्यों जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं बताएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो हमारे भाई हैं भानु कार्की भाई, वो आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, दोनों काफ़ी लेट हो गए। एक जी रहो तुम्हें के रहो, चल फिर जल्दी, तो चलते हैं यार, मिलते हैं फिर बात। अब तक बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर। इसकी ताई जी ना अप्रैल तक की शादी करवा दो, कैसे भी पकड़ सकते हैं। जिंदगी में ना भड़काने वाले लोग ऐसे होते हैं, मेरे कैमरा खुल जाता है पता चल जाए। ताई जी आप ना नवराजदा की शादी करा लो टाइम से, पति गिर साहब ना साल ना गैर से चलो गैर से लूम से अप्रैल तक कैसे भी हालत में। इन्हीं लोग की वजह से ना हमारे घर वाले भड़कते हैं। साथा का होलो हरि भजना, तो यार दोस्तों चलते लादे फिरते मिलाते पहुंच चुके लेक घाटी मंदिर परिसर में। तो बचपन की यादें साझा करता हूं यार आपसे। बचपन में जब मैं थल से पिथौरागढ़ सफर करते माता जी के साथ, तो 622 गाड़ी पहला चचा की, देन उसके बाद अंजलि वाले में, तब तक की मेरी यादें बहुत बेस की, उसके बाद हम बड़े हो गए थे यही से डांट जाए। तो उन दिनों यार ड्राइवर लोग क्या करते थे ना, पहले को नहीं मैं नाश्ता करूँ करो, लास्ट में गाड़ी नहीं रोकते थे। तो मतलब इतना मन में क्रेविंग होती थी ना खाना खाने की, वाला खाना खाने की, क्या रास्ते में गाड़ी रुकेगी खाना खाएंगे। तो ये जो जगह ये वाली ना, ये बहुत पहले से फेमस है, जो स्वाद है जो पहाड़ी परिवेश में लोग बनाते हैं ना काफ़ी अच्छा है, लकड़ी के चूल्हे में बनाते हैं। ले घाटी मंदिर पर गाड़ी तो रुकती है, जैसे गुरना मैया के वहाँ पे लोग जो भी हल्द्वानी के लिए निकलेंगे तो दर्शन पक्का करते हैं माता। जो जगह है यहाँ पे, इनके यहाँ पे ढाबे पे आइए आप और खाना खाइए, चाहिए पानो भाई। और सबसे मेन चीज देखो, नाश्ते के साथ आपको यहाँ पे मट्ठा मिलेगा, छाछ, पहाड़ी छाछ। पिथौरागढ़ पहुंचे थे, ये कह रहा लशेल, पिथौरागढ़ पहुंचे थे, प्रकाश दा आते क्या बोलना, ये दाल के रेट देख बल। मैं सीधे कह दो ना, दाल भात का रेट बढ़ा रहा हूँ,
फिर बोल नहीं यार बेरोजगार छात्रों के लिए नहीं बढ़ाते, तो इन्होंने अपने रेट काफी कम करे हैं। लेकिन सच में यार दालों रेट दो 100 रुपया इधर कितने लोग किलो गए, 15 किलो हाँ मतलब चाहो मुझे शू हालात भी जड़ी मेरे खत्म है जल कितना बड़ा बाबू पानी पिलाओ ना ना इनको दे अम्मा ने पी लिया लाडू किया किसका है। तो दोस्तों गाड़ी की रफ एंड टफ यात्रा करने के बाद फाइनली गाड़ी पे आ चुका हूँ। मतलब वैसे मैं बहुत रफ एंड टफ टाइप का व्यक्ति, लेकिन पत्रा मचाया जाए लगी अजीब टाइप का हो गया। मतलब शरीर हा हो गया कि मतलब जैसे आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुई उसके बाद मेरे को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अजीब मचाया जाएगा। मतलब यू नो मचा जो आप गाड़ी में सफर करते तो पेट एट मचलाना सर मचलाना इसको मचाए कहते हैं। तो फाइनली इस मचाए को दूर करते हैं पिथौरागढ़ शहर घूम के। जो ना छना सुख दुख करा मैं को खानो मुख महसी आंखों में पानी छा कर मैं की खानी छा। तो दोस्तों आज हम सभी लोग रेड क्रॉस परिवार रेड क्रॉस सोसाइटी पिथौरागढ़ हमारे दिवंगत आत्मा हमारे स्टेट चेयरमैन स्वर्गीय कुंदन सिंह कोरिया जी की स्मृति पे विशाल रक्तदान शिविर पिथौरागढ़ पे किया जा रहा है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में सर ने काफी प्रेरित किया। आज सर हमारे बीच में नहीं है, ये हमारे काफी दुख की घड़ी है, लेकिन आना और जाना प्रकृति का नियम है और इस दुख की घड़ी में भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ रेडक्रॉस परिवार, देहरादून रेडक्रॉस परिवार और सेंट्रल रेडक्रॉस परिवार यानी कि दिल्ली जितने भी हमारे मैनेजिंग बॉडी है समस्त हम उसको याद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नए वॉलंटियर्स हैं उनके कार्यों से प्रेरित हो गए आगे भी आप लोग जन सहयोगी कार्य करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों हमारा देश बदल रहा है वास्तव में, क्योंकि आप देखिए ब्लड बैंक में एसी लग चुका है यार, मतलब ठंडी ठंडी होगा बटे उम्र है। और जो हमारे डोनर्स हैं इनको भी मजा आएगा ब्लड देने में। ये हमारे सचिव सर हैं जो पहली यूनिट दे रहे हैं रक्तदान। ये हमारी सरोज मैम मैनेजिंग बॉडी मेंबर और पूर्व प्रधानाचार्य देवलथल और हमारे मैनेजर चेयरमैन सर मैनेजर घूमिय पंजी जो कि सदैव तत्पर रहते हैं यहाँ पे अग्रणी कामों के लिए और हमारे डिजिटल वॉलंटियर राजू और बाकी हमारे सीनियर सर। दोस्तों मैं अपने पद के हिसाब से सीरियस होने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें दिन पे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे भाई है ठीक है आप मेरे फैन हो मेरे को पता है खून दिन से खून है दीजिए सर बिग फैन मतलब शुगर ही अच्छी है। तो भाई वीर भाई यार कौन सी बार प्रदान कर रहा है कौन सी बार कर रहा सर हमने हो फर्स्ट बार खून पांचवी बार कर रहा हूँ। उम्र कितनी हुई तो आप लोग यार नियमित तौर पे रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान तो मेरे को नहीं पता मेरी इतनी इज्जत है यार मेरे स्वागत हो पर आ रहा नहीं ला कब से नहीं आया बंदा आज की दुकान में तो मैं फाइनली ब्लड बैंक से आ चुके हैं हम रेड क्रॉस सोसाइटी के जेनरिक केंद्र पे यानी कि। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की हमारी ये मेडिकल शॉप हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स जी जी मतलब तहक ने मेरा 3600 आंकड़ा है यार मतलब मैंने कुछ कहा नहीं मतलब लड़ाई ना बहुत झगड़ालू इतनी प्यारी है इतनी झगड़ालू दिन रात लड़ाया करें दिन रात इतनी प्यारी रिक्शा मैम क्या बताऊं ये निकाल लेता हूं। ए चुप रहो रे तमीज नहीं है तुम लोग को बिल्कुल। हमारे बीच में है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सर। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर जिस वक्त आप लोग ब्लड डोनेशन करते थे उसका स्वरूप ऐसा ही था कुछ अलग था। कहूँ 35 साल पहले जो आजकल ब्लड बैंक में ब्लड लिया जाता है ये उन दिनों ये सुविधा नहीं हुआ करती थी जी। उन दिनों एक कांच की बोतल होती थी जिसको एसीडी बोतल बोलते थे जी। उसी में फ्लूड होता था और उस समय जब ऑपरेशन वगैरह लगते थे जैसे कोई हड्डी का ऑपरेशन लग गया हड्डी के ऑपरेशन में टाइम लगता है 2-3 घंटा भी करीब लग जाता है। जब ऑपरेशन लगाते थे तो उनके पास गिने चुने डोनर्स होते थे ठीक ठीक से एक मैं भी था। अच्छा। ब्लड देना बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी लाभदायक है बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा आपको टीबी नहीं होगी आपको अस्थमा नहीं होगा जी। आपने कहा ना आप अपने जमाने में बिल्कुल बिल्कुल सर बुरा मान के नहीं मैं अभी भी साल में एक बार डोनेट करता हूं बिल्कुल सर थैंक यू। तो जैसे कि सर ने बोला कि ब्लड डोनेट करने से अस्थमा नहीं होता है कैंसर नहीं होता है ये नहीं कि बीड़ी सिगरेट पियो वो कह रही बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना शराब भी नहीं पीना लेकिन ब्लड डोनेट करना है यो नहीं गया सर ने ऐसा कहा बीड़ी सिगरेट भी और अस्थमा नहीं होगा। ये आप लोग के लिए जितने भी लोग हैं वॉलंटियर्स हमारे अरे नमस्ते नमस्ते
मेरे चाहने वाले सिर्फ थलवे ने यहाँ पे थोड़े बड़े खिंच खिंच बैठा और आज ब्लड क्यों नहीं दे रहा, दे रहा हूँ अभी दूंगा ठीक है मैं जाग पे हमारे बीच में दीप भाई हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं तीर से मिलने आया था आपसे। बोल तमीज भूल गए, संतोष सर का भाई भाई आज यार नेशनल अवार्ड से सम्मानित है नवाचार से। तू मत बता, हम जाएंगे उनके यहाँ, हम लेंगे उनका इधर घोड़ा है। आने वाला कल घर? हाँ कल ही तो बात हुई रोड के लिए। बोल मत, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यार हमारे साथ अभी सीता जी आई हैं जो कि ब्लड बैंक में ब्लड देने आई थी, तो इनको बड़ी मुश्किल से रोका है कि आप मत दो, क्योंकि वो खून दिल जब एक यूनिट या तीन बड़ा उल्टा है। काम बना है फ्री में ना? काम बनाएगी हाथ में बलिया रही बेइज्जती सीमा जिनसे टॉप में। तो हमारे राज भाई आ चुके हैं। अरे दादा प्रणाम। प्रणाम कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। अपने बड़ों से प्रणाम। भाभी प्रणाम। प्रैंक था यार तू, क्यों? अरे प्रैंक था, प्रैंक था। पहले बताना पड़ता था, मेरे साथ थोड़ी होता है प्रैंक। अरे दीदी प्रणाम। कहाँ खाना ना कहाँ टाइम? ये तो कॉलेज क्या करने है, कर क्यों नहीं रहे? खाना खाओ, टैटू करो। तो कितने दो? पांच दिन पूरे पूरे रखे। देखो भाई इसने, तो मैंने गुप्पू के देने को बोला ना, मैं नहीं जानता अब ठीक है। डाइटिंग में वहां से तो ये लोग खाएंगे। जो खाएगा क्या? लाफिंग छुपी खड़ा बनना कॉलेज की रोट में। आजी ने ब्याह रचाया चाची मंगल राव। फाइनली मम्मी भी आ गई। मम्मी अभी पीछे शिफ्ट हो गई और ही होगी लाके। अरे वो मैं कहा तो मैं पीछे चली जाती हूँ अपनी। ना ना वो तो मैं मम्मी खुद ही बैठी है नीचे, मेरी मम्मी को सब जगा देते। मुझे भी जगा। दीदी मिली नहीं? हा? दीदी नहीं, तो दीदी यार ड्यूटी में गई थी, दिन का स्कूल लग गया है। तो अनाय मिली? कौन भांजी ऐसा करती मेरी? दो तीन दिन में आएगा क्या ना? अच्छा तो माता जी में आई थी पिथौरागढ़ किसी काम से, तो माता जी दीदी लोग के वहाँ रुकी। दीदी तो स्कूल थी, तो भांजी भांजे और जीजा जी से मिली। कुछ लेना हमन? थोड़ा आलू का बीज ले जाए। और कुछ फल फ्रूट? आलू बीज तो यहाँ उतार जुबे में, फिर बबरी जाली आई। तो यार दोस्तों माता जी कर रहे शॉपिंग, कोई शर्म नहीं अपना ही करे। रब्दा है ना, रब्दा से मिलाओ आपको जी। हल्का तो है वो। तो आप माता जी को शॉपिंग करा दिया, माता जी ने लेने बीज के आलू और मन को बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करना पिथौरगढ़ आया फिर हमारे घर वाल बन बीज वाला लो बन। और मेथी, पालक, पालक और पालक नहीं ले जाऊंगी यहाँ से। चप्पल चप्पल जी, जूते, सूट और फुगर। दोस्तों यार ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अगर इन्हें मने कर जब जिंदगी बढ़िया का चले, नहीं कर जब भी झंडे है। तो मैं तो आया हूँ प्रैक्टिस में। माता जी प्रैंक भारी ना पड़े यार, लट्ठी ना खाऊं घर जाके। अब दादाजी तो खतरनाक से ना, हमने लाल लाल हो गए, अभी सफेद है बल। अरे वो तो सफेद ही होगा। लाल ला, आलू की ना वैरायटी होती है, लाल आलू, सफेद आलू, हमें को लाल सफेद से बोल रहे थे। बेंगलोर वाला है। नमस्ते। ठीक हो? ये कल पक्का जय हो। तो इनकी माता जी लोग को प्रणाम यार। तुम्हारी अरे सर प्रणाम, ठीक हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया। अच्छा धन्यवाद। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो आप लोगों को इनवाइट कर दीजिए, आइएगा। क्या क्या बात है यार, आप लोग इतना प्यार दे रहा, दिल खुश हो जाता है। किस नाम से? आप मैंने आपका विजिट किया एक बार चैनल, तो आएगा भी हल्की और आएगा फिर बढ़िया ढिया पकून। ठीक है ठीक है मैम, ओके थैंक यू। वो कहाँ गए जो हमारे साथ थे? अच्छा
तो मम्मी के हैप्पी सब्सक्राइबर मिल गया, कैसा लग रहा है? अरे महेंद्र का प्रणाम, वो मेरा सीनियर हुआ, इसी ने बिगाड़ा मेरे को, इसी ने बिगाड़ा मम्मी, जितना बिगाड़ा। मैं तो सुधरा लड़का था, सऊर चाहे सऊर तो पहला ये ऐसी दिखाते रहता है मुझे न्यूज करना चाह रहा है। तो यार दोस्तों यहाँ आने की प्रैक्टिस भी शुरू कर लेते हैं, डेढ़ दो साल बाद तो आना ही है, हम जैसे क्यों ना अभी से विजिट कर लेते हैं। इस बीच लगातार बारिश की वजह से किसानों को काफी दिक्कत हुई है, इस तरीके से खेतों में पानी जम चुका है और खेतों में पानी से काफी दिक्कत है। बाकी भट हो रहे हैं यहाँ पे, ये वही भट है जो तीन वैरायटी के भट मैंने आपको दिखाए थे, काले भट, हरे भट और सफेद भट। जिसके पेटा खावा लागो यार डंड तबे इधर रहे हो, मोटापा नहीं हो जी, हाथ पड़ भी खाने रहे हो कच्चे। गाँव में रहने का फील ही अलग है ना, थोड़ी देर बाद इन भटों को ना उबाल के खाएंगे। ओहो आज आपने का पसीना बात है वॉलीबॉल। तो यार दोस्तों देखो, जब मैं बता रहा था कि बारिश के कारण जमीन गीली होने से कचा रही है, तो आप पूरे डंड के जानी हो है बलती वाले नंबर के नहीं बेयो वो आता काम बेयो साहब है ना। तो यार अन्य ग्रामीणों को बलती वाले इनविटेशन दे रहे हैं कि अगर आपने ट्यूशन लगाना है खेती का तो बलती रहे बल। बेटा यो कहाँ से नहीं थोड़े। तो यार दोस्तों बलतरी गांव में वॉलीबॉल की प्रैक्टिस इतनी बढ़ चुकी है, हमने नेपाल देश से यहाँ पे खिलाड़ी बुलाए हमारे, ये गड्ढे साल वो इंडिया के दो भारत के हैं, वो सॉरी वो इंडिया के दो भारत के। मेरी नारी गदानी तुझे मेरी परानी जल जाए एकली का काटन यस कहा जा छी 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 यस विज यस। हर्षो देखो यार भैया, हर्षो का गेम गजब हो गया है, देखो ना छोड़ दे हर्षो का गेम देखो, जगमोहन मैसोड़ा जहाँ गई हो देखो बलतीर की टीम तैयार हो रही है। मेरी वो तो सारे गड्ढे हैं, खैर इस ओर दिखा रहा हूँ। मेरी नारिंग दानी तुझे मेरी पराणी जल जाए कैली खा काटन मेरो पराणा झुरी गयो। ए सभी ने गाना गाने वाली यार पारू आप आ गएगा मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हुआ, ठीक है डन डन डन। गुड आफ्टरनून यार दोस्तों, आफ्टर सो लॉन्ग वर्जिश करने का मौका लगा, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आ रही कि जो मेरा मतलब जो पहली बॉडी थी इस बीच काफ़ी हैवी हो गई है, और पर्सनल भी मुझे लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। मैं लेट नाइट सोने की आदत डालती है, जिस वजह से मॉर्निंग पर लेट उठने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी शरीर को भी, काफ़ी सुकून मिल रहा है। तो अब घड़िया के पानी पीते हैं, चाय पी लूँ, फिर मिल लूँ, और आज के इस ब्लॉग को करते हैं क्लोज। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, आप लोग बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं हंसी कर दो आप हंसी, बाय बाय।